बिल्कुल ध्यान रखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पैसिफायर पे किसी भी तरह का मीठा, शहद, इस तरह चाशनी, इस तरह की चीज़ें लगा के बच्चे के मुंह में नहीं देनी है। ये आपके बच्चे के दांतों के लिए सिर्फ जहर है और बहुत सारी कैविटीज़ करेगा, छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी कैविटीज़ हो जाएंगी। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर दीपेश प्रजापति, डेंटिस्ट सिर्फ बच्चों का, जयपुर राजस्थान से। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या पैसिफायर्स, जिसको निप्पल बोलते हैं, पैसिफायर बच्चों के मुंह में देना चाहिए या नहीं। देखिए, पैसिफायर यूज़ के बहुत फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों नफ़ा नुकसान एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और एंड में ये बताऊंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो क्या रिकमेंडेशन देती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पैसिफायर के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, रिसर्च में ये बोला जाता है कि पैसिफायर बच्चे को सूद करता है, रोते हुए बच्चे को सुलाने में हेल्प करता है। और ऐसा भी पाया जाता है कि जब बच्चों के इंजेक्शन देने का टाइम आता है, कोई आपको दवाई चढ़ानी है, वैक्सीन देनी है, कोई पेनफुल चोट लग गई उसको पट्टी करनी है, तो रिसर्च में पाया गया है कि वो पेन में भी आराम देता है। ऐसे बच्चे को अगर आप पैसिफायर चुसाएंगे तो वो ऐसे काम आसानी से कर लेता है। तो ये तो, और जो ये तो यूजली पेरेंट्स को फ़ायदे पता होते हैं। अगर मैं मेडिकल साइड की तरफ जाऊँ तो जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक चीज़ को बोला जाता है SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बच्चों की अमूमन डेथ हो जाती है, तो ये पाया गया है कि जो बच्चे पैसिफायर का यूज़ करते हैं उनमें SIDS के कारण बच्चों को परेशानी या डेथ नहीं होती है। जो बच्चे पैसिफायर यूज़ करते हैं उनमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम नहीं देखा गया है। आइए अब बात करते हैं कि पैसिफायर के नुकसान क्या होते हैं। देखिए, पैसिफायर का ये नुकसान होता है कि बच्चा अगर पैसिफायर उसको पसंद आ जाता है तो माँ का दूध, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान बोलते हैं, वो उसमें कम इंटरेस्टेड हो जाता है और फिर ये नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग हो जाती है। इस सकिंग से बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो इसमें बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी फ़र्क देखा जा सकता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि अगर एक समय से ज़्यादा बच्चा पैसिफायर ही चूसता रहे, जैसे ये बोला जाता है कि 4 साल की उम्र के बाद बिल्कुल भी बच्चे को पैसिफायर नहीं देना चाहिए, अगर बच्चा 4 साल के बाद भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है तो बच्चे के फेस और दांतों में चेंजेस आने लग जाते हैं। बच्चे का चेहरा, ये जबड़ा आगे नीचे वाला जबड़ा छोटा हो जाता है, दांत बाहर निकल जाते हैं और फिर इवेंचुअली इसका इलाज कराना पड़ता है। तीसरा जो नुकसान है, जो पाया गया है, वो है कान का इन्फेक्शन, इसको जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। जो बच्चे अत्यधिक पैसिफायर का यूज़ करते हैं उनमें कान के इन्फेक्शंस भी बहुत पाए जाते हैं। तो जो गाइडलाइंस हैं, जो सलाह है, जो कि पैसिफायर कब यूज़ करना चाहिए, ये एज स्पेसिफिक होता है। ऐसा बोला जाता है कि पहले महीने, जन्म के पहले महीने में तो पैसिफायर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अगर पहले महीने से ही बच्चा अगर पैसिफायर यूज़ करने लग जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग सीखता ही नहीं है और ब्रेस्ट फीडिंग करने और सिखाने में बहुत दिक्कत आती है। तो जो भी और सोसाइटीज़ हैं, वो ये रिकमेंड करती है कि पैसिफायर का यूज़ हमेशा जन्म के 1 महीने बाद ही यूज़ होना चाहिए, और ये भी बोला जाता है कि 6 महीने बाद की उम्र से उसको यूज़ को डिस्करेज करना चालू कर देना चाहिए। अभिभावकों को ये नहीं लगना चाहिए बच्चा रो रहा है, मुंह में पैसिफायर दे दिया। देखिए, आपको दूसरे तरीके बच्चे को ढूंढने पड़ेंगे कि जिससे वो सूद हो जाए, जैसे कोई म्यूज़िक चला दिया, बच्चे को खिलाने ले जाए, बच्चे को गोदी घुमा लें, कुछ भी दूसरे तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे जो उसकी एज के हिसाब से है कि बच्चे को सूद करे और उसको सोने में हेल्प करे। मेरी एडवाइस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लीज़ आप स्क्रीन टाइम को ना बढ़ाएं। ऐसा ना सोचें कि मोबाइल दे दिया और या टीवी देने से बच्चा सूद हो जाता है। ये मोबाइल और टीवी बच्चे के बहुत ही साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करता है, जिसके और भी अत्यधिक नुकसान है। तो पैसिफायर को प्लीज़ आप स्क्रीन टाइम से ना रिप्लेस करें, आपको दूसरे तरीके ढूंढने होंगे जिससे बच्चा सूद हो सके। तो 1 महीने पे आप पैसिफायर यूज़ को चालू कर सकते हैं और 6 महीने बाद से इसको डिस्करेज करना चालू कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि 4 साल की उम्र के बाद तो बिल्कुल भी पैसिफायर नहीं देना है, नहीं तो उससे कान का इन्फेक्शन और परमानेंट फेस में और जबड़े में और दांतों में डैमेज हो सकता है और ये दांत में कैविटीज़ भी कर सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पैसिफायर पे किसी भी तरह का मीठा, शहद, इस तरह चाशनी, इस तरह की चीज़ें लगा के बच्चे के मुंह में नहीं देनी है। ये आपके बच्चे के दांतों के लिए सिर्फ जहर है और बहुत सारी कैविटीज़ करेगा, छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी कैविटीज़ हो जाएंगी। पैसिफायर हमेशा बच्चा मुंह से निकाल देता है और ज़मीन पे भी गिर जाता है, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब बच्चा आप वापस उस पैसिफायर को मुंह में ले रहा है तो वो एकदम क्लीन हो, नहीं तो इस
जो कीटाणु उसके पेट में जाएंगे, डायरिया, फीवर, दस्त और ये सब होना बहुत कॉमन है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि बच्चे में कब कौन सा कैसे पैसिफायर यूज़ करना है। जब भी आप पैसिफायर खरीदें तो आप मार्केट में एक चीज़ ये देख सकते हैं कि आजकल फिजियोलॉजिकल पैसिफायर या फिर ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर्स भी अवेलेबल हैं जिनकी डिज़ाइन ऐसे एल शेप होती है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर आप मेरे को मेरे ईमेल आईडी या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर एक लिंक छोड़ने की कोशिश करूँगा। फिजियोलॉजिकल या ऑर्थोडोंटिक पैसिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी शेप ऐसे होती है कि वो जबड़ों को और दांतों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अगर आपका इस विषय में और भी कोई सवाल है और भी कोई डाउट है तो आप ऊपर दिए हुए ईमेल आईडी या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार। सभी अभिभावकों से मेरा एक ये भी रिक्वेस्ट है कि बाज़ार में ऐसे कुछ सस्ते निप्पल आते हैं जिनमें शहद भरा हुआ होता है, कृपया करके इस तरह के निप्पल्स का उपयोग ना करें। ये जैसे ही कोई आप मीठा लॉलीपॉप की तरह बच्चा उसको चूसता रहेगा और उससे दांत बहुत ख़राब होने की आशंका है।